विद्यार्थियों, RCIHF बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो क्या होता है, तो हम इसमें एक धात्विक पृष्ठ लेते हैं। जैसे माना ये हमारा कोई धात्विक पृष्ठ है, हम ऐसा मान लेते हैं, और इस धात्विक पृष्ठ पर हम विशिष्ट आवर्ती या हम इसे अधिक आवर्ति का प्रकाश से आपतित करते हैं। ये प्रकाश है जो हम इस पे आपतित कर रहे हैं, आपतित प्रकाश। जैसे ही ये प्रकाश यहाँ आपतित होता है तो इस धात्विक की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके सतह से बाहर आ जाते हैं। इस प्रभाव को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन है जो ऊर्जा ग्रहण करके सतह से बाहर आए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, या इनको प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह से ऊर्जा ग्रहण करके सतह से बाहर आ जाते हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन या इनको प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, और इस पूरे प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने यहां से प्रकाश डाला, धात्विक पृष्ठ है, यहां से इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण की, सतह से बाहर आ गए, इनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और जो धारा इनसे प्रवाहित होती है हम उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है कि ये जो धातु पृष्ठ होता है इनकी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने जो क्षमता है वो क्षमता सबकी अलग अलग होती है। जैसे हम अगर हम क्षारे धातु की बात करें, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और सीजियम है, ये ऐसी क्षारी धातु होती है। इन ये क्षारी धातु ऐसी होती हैं जो दृश्य प्रकाश पर भी इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए इन धातुओं को प्रकाश ग्राही धातु कहा जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे जिंक है, और इस जिंक है और मान जैसे मैग्नीशियम है, ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पराबैंगनी प्रकाश पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं। तो हाँ, इस प्रभाव के अंदर ये जो हमारा प्रभाव है इसमें सबकी जो क्षमता है सबकी अलग अलग होती है। और हमने पहले अध्ययन किया था कार्यफलन का, आप ध्यान रखें कि जो कार्यफलन जो होता है वो कार्यफलन सबसे अधिक कार्यफलन होता है प्लेटिनम का, जो कि 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सबसे कम जो कार्यफलन है वो सीजियम धातु का होता है जो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।